गुड इवनिंग बच्चा लोग, आज क्या पढ़ना है? आज हम तो पढ़ना है मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 4, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टी को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए वो सारी बातें क्लियर कर लिया। फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर सब्सटेंस को, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में हमने बात किया था। और हमने ये भी बात किया था कि किसी पार्टिकल के बीच जो स्पेस पाया जाता है उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिकुलर स्पेस, और जो दो पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है जिससे दो पार्टिकल आपस में दूसरे के अट्रैक्ट होते हैं, दूसरे के पास आए होते हैं, ऐसे फोर्स को बोलते हैं हम इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स। फिर हमने ये भी जाना था कि कैसे किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं। आज हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी कि सब्सटेंस को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो बच्चा लोग, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है आपका इम्प्योर सब्सटेंस। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं बाबू शुद्ध पदार्थ। क्या बोलते हैं बेटा? शुद्ध पदार्थ। और इम्प्योर सब्सटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। और इसको केमिकल प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं रासायनिक। रासायनिक गुण। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात किया कि प्योर सब्सटेंस वो होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो एक तरह के सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, और ऐसे सब्सटेंस जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलकर के बने होते हैं उनको बोलते हैं हम इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ होते हैं वो एक तरह के सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ different type of substance। ऐसे substance जो only one type of substance से मिलकर के बने होते हैं उनको बोलते हैं pure substance, और ऐसे substance जो different type of substance से मिलकर बने होते हैं किससे किससे हो different type, मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलकर बना हो। जैसे मान लीजिए आपका आयरन है, लोहा है, तो लोहा जो है बाबू वो एक तरह के सब्सटेंस से ही मिलकर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि जब आप लोहे को ब्रेक करेंगे तो लोहे में कुछ और आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए गोल्ड है, तो गोल्ड को जब आप ब्रेक करेंगे तो ऐसा नहीं गोल्ड में कोई और भी पार्टिकल बैठा हुआ है। और मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए वाटर है,
तो वाटर में आप उसको एकदम बढ़िया से उसमें घुस के आप उड़िए, हर एक जो पार्टिकल मिलेंगे वो सब वाटर के मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वाटर के पार्टिकल में जूस के पार्टिकल मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वाटर के पार्टिकल में किसी और चीज का सब्सटेंस आकर के मिल जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिल करके बने होते हैं उनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, और ऐसे सब्सटेंस जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिल करके बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं लोग, इम्प्योर सब्सटेंस। फिर दो कैटेगरी में, एक होता है आपका एलिमेंट, और दूसरा होता है आपका कंपाउंड। कंपाउंड को बोलते हैं यौगिक, और एलिमेंट को बोलते हैं तत्व। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट है और जो प्योर सब्सटेंस के कंपाउंड है, ये दोनों जो होंगे बाबू एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलकर के बने होंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई और भी सब्सटेंस एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं बाबू क्या है एलिमेंट, क्या है कंपाउंड, और प्योर सब्सटेंस में क्या क्या चीजें आती हैं, और कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे हम इसको प्योर बोलते हैं, क्यों नहीं हम इसको इम्प्योर बोले, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका हिंदी आप क्या, इसका हिंदी आप ले सकते हैं प्योर सब्सटेंस ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस को, इसको आप ले सकते हैं ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ। और इसको आप लिख सकते हैं ऐसे पदार्थ जो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्या होता है एलिमेंट, क्या होता है कंपाउंड। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थों के क्या क्या गुण होते हैं। तो शुद्ध पदार्थों में आपको ये दो तीन गुण हैं, जैसे दे आर होमोजीनियस, ये कैसे होते हैं होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब ये है कि इनके पार्टिकल को आप अलग अलग देख नहीं सकते हैं, जिनके हम पार्टिकल को अलग अलग देख नहीं सकते उनको बोलते हैं होमोजीनियस। तो होमोजीनियस कौन होता है, प्योर सब्सटेंस। दे आर नो विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, इन जो पार्ट ये जो सब्सटेंस होते हैं इनके पार्टिकल के बीच में आप बाउंड्री सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते, मान लीजिए आपका वाटर है H2O है, तो वाटर में आप ये नहीं क्लियर कर सकते अच्छा अच्छा ये इधर इतना क्या नाम है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है पार्टिकल है, अच्छा इधर ये अपना ऑक्सीजन के पार्टिकल है, ऐसा आप क्लियर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बीकर में वाटर है, अब ये वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल वाटर के पार्टिकल हर जगह उपलब्ध होंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते कि अच्छा इतना जो है ये हाइड्रोजन के पार्टिकल है और ये जो बाकी बच गया ये किसके पार्टिकल है, ऑक्सीजन के पार्टिकल, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके पार्टिकल के बीच में आप बाउंड्री सेपरेशन ना कर सके, जिनको आप अलग अलग डिवाइड ना कर सके, उनको हम किसमें रखते हैं, प्योर सब्सटेंस में रखते हैं, उनको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तीसरा होता है दे हैव डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी नो मैटर वेयर इट कैन अगर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी सब्सटेंस कहाँ से मिला है, बस उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास वाटर है, तो वाटर चाहे आप नदी में से पानी निकाल के लाए, पानी को आप चाहे क्या नाम है आप झील से निकाल के लाए, पानी को चाहे समुद्र से निकाल के लाए, पानी को चाहे अपने नल से निकालें,
पानी को जो है आर ओ से निकाल ले। पानी की जो प्रॉपर्टी है, पानी की प्रॉपर्टी क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल से मिल करके आपका वाटर बनता है। तो ये वाटर के पार्टिकल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलवेज उपलब्ध रहेंगे, ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे, नो मैटर इसको आप कहाँ से लेकर के आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका आयरन है, आपका कॉपर है, आपका जिंक है, तो चाहे इसको आप इंडिया में निकालो, चाहे इसको बाहर विदेशों में जाकर के निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो आयरन की प्रॉपर्टी ही रहेगी, कॉपर की जो प्रॉपर्टी है, कॉपर की जो पार्टिकल, जिस तरह के पार्टिकल से मिलकर कॉपर बना है, उस तरह के पार्टिकल से मिलकर ऑलवेज बनेगा, चाहे आप उसको कहीं से लेकर के आए, जिंक हुआ, कैल्शियम हुआ, कोई भी पार्टिकल है, ये फर्क नहीं पड़ता बाबू कि दुनिया में किस कोने से आप ये सबको लेकर के आए हो, सबकी एक डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी होगी जो कि हमेशा ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। अब वाटर जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की पार्टिकल से मिलकर बना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वाटर जो है आपका ऑक्सीजन और कार्बन के पार्टिकल से मिलकर बन जाएगा। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन और कार्बन के पार्टिकल से कार्बन डाइऑक्साइड ही बन सकता है, ना कि वाटर बन जाएगा। बात क्लियर हो रहा है, मतलब कि दे हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रॉपर्टी, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो फिक्स है। वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल पाए जाते हैं वही पार्टिकल पाए जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है कार्बन और ऑक्सीजन के पार्टिकल से मिलकर बना है, तो ऑलवेज कार्बन और ऑक्सीजन के पार्टिकल ही कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है किसी और पार्टिकल से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको कहाँ से लेके आए, ठीक है। तो ये तीन बातें, दे आर होमोजीनियस, ये कैसे होते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जिनके पार्टिकल को आप आसानी से देख ना सके, जिनके पार्टिकल को आप अलग अलग ना कर सके, वो कैसे होते हैं होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके घर में है चावल ले लीजिए, थोड़ा सा आप दाल ले लीजिए, तो चावल और दाल को आप जब आप आपस में मिला देंगे, मिक्सर कर देंगे, तो आप उसमें आसानी से देख सकते हैं, अच्छा ये दाल के पार्टिकल, अच्छा ये इतने चावल के पार्टिकल, आप उनको आसानी से अलग अलग उठा के कर सकते हैं। लेकिन जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, आपको पता है कि दे आर मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, जो एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलकर बना, उसको क्या आप अलग कर पाएंगे। अब मान लीजिए चावल है, तो चावल में आप उसके पार्टिकल को अलग अलग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छा ये इधर वाले काले चावल है, इधर वाले सफेद चावल है, इधर वाले कम सफेद चावल है, ऐसा नहीं होता है। एक ही तरह के चावल से जब वो बना हो, एक ही तरह के जो पार्टिकल उसमें चावल में, तो वो कैसे है होमोजीनियस, उसमें आप अलग अलग नहीं कर सकते। जो अलग अलग नहीं हो सकता, जिनको आप अलग अलग डिवाइड नहीं कर पाते, उनको बोलते हैं होमोजीनियस, और होमोजीनियस जो होते हैं वो क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस होते हैं। फिर जिनके पार्टिकल को आप आसानी से अलग अलग नहीं कर सकते, तो क्या उनके पार्टिकल बीच में बाउंड्री बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ देयर इज नो विजुअल बाउंड्री सेपरेशन, जिनको हम आसानी से हम अपनी आंखों से बाउंड्री ना बना सके, वो कैसे सब्सटेंस होते हैं, वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो इसका ये हिंदी है, ये समांगी होते हैं, और देयर इज नो विजुअल बाउंड्री सेपरेशन अर्थात इनके बीच कोई बाउंड्री नहीं बनाया जा सकता है। तीसरा, दे हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रॉपर्टी नो मैटर व्हेयर इट कैन अकर, मतलब इनके गुण निश्चित होते हैं, अर्थात इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से ये प्राप्त हुए। इस एग्जांपल में वाटर है, इस एग्जांपल में कार्बन डाइऑक्साइड है, इस एग्जांपल में आयरन है, कॉपर है, जिंक है, कैल्शियम है, ये सारे के सारे पार्टिकल बाबू, सॉरी ये सारे के सारे सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस है, और ये एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए ये होमोजीनियस होते हैं, इसलिए इनके बीच में नो विजुअल बाउंड्री सेपरेशन होता है, इसलिए इनकी डेफिनेट सेट्स ऑफ प्रॉपर्टी होती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि प्योर सब्सटेंस को फर्दर एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड किया गया है, तो एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। आई होप आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बात करते हैं कि हमने केमिकल प्रॉपर्टी पे पहले क्या देखा, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हमने सब्सटेंस को दो भागों में डिवाइड किया था, एक था अपना प्योर सब्सटेंस, एक था अपना इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलकर के बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। फिर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात किया, फिर हमने देखा था कि प्योर सब्सटेंस को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक था अपना एलिमेंट और दूसरा था आपका कंपाउंड। तो अब हम बात करते हैं एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ सब्सटेंस which is made of only one kind of particle is known as element। ऐसे सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो एलिमेंट्स बोलते हैं। दोनों में फर्क है, प्योर सब्सटेंस में और एलिमेंट के डेफिनेशन में बहुत माइनर डिफरेंस है। प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन था वो ये था, अ फॉर्म ऑफ सब्सटेंस which is made of only one kind of substance, जो एक ही तरह के पदार्थ से मिलकर बने होते हैं उनको
होगा प्योर सब्सटेंस। अब हम बात करते हैं एलिमेंट की, तो फॉर्म ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। आपको पता है कोई भी सब्सटेंस होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो अगर एक ही तरह के पार्टिकल से कोई सब्सटेंस मिलकर बना है तो उनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अपना आयरन, आयरन, अब आयरन को आप तोड़ के देखो, जब पकड़ के बढ़िया तोड़ करके पार्ट में डिवाइड करो, हर एक पार्टिकल इसके अलग अलग हो जाएंगे, तो आप देख पाओगे बाबू कि हर एक पार्टिकल जो भी आयरन के हैं वो सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल है। ऐसा नहीं है कि आयरन के पार्टिकल में आपको गोल्ड मिल जाएगा। अब आयरन है सब्सटेंस है, आयरन किससे बना है, पार्टिकल से। एवरी सब्सटेंस इज मेड अप स्मॉल पार्टिकल, हर सब्सटेंस जो होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो आयरन है तो आयरन भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। अब ऐसा नहीं है कि इसके पार्टिकल में कहीं यहाँ पर यहाँ साइड कोने में कौन बैठा हुआ है, कहीं बैठा हुआ है, अरे भाई साहब हम भी तो यहीं पर है, नहीं ऐसा नहीं होता है। आयरन के पार्टिकल में सिर्फ आपको आयरन ही मिलेगा। मान लेते हैं हम आपको गोल्ड लेते हैं, तो गोल्ड के जो भी पार्टिकल होंगे इन पार्टिकल में सिर्फ आपको कौन मिलेगा, गोल्ड के ही पार्टिकल मिलेंगे। ऐसा नहीं है गोल्ड के पार्टिकल में अपना जाकर के आयरन बैठा हुआ है, गोल्ड के पार्टिकल में जाके जिंक या कैल्शियम या कोई भी और एलिमेंट बैठा हुआ है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। गोल्ड के पार्टिकल में सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल मिलेंगे, आयरन के पार्टिकल में सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल मिलेंगे। कोई भी एलिमेंट आप ले लो, जितने सारे एलिमेंट है वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनने की वजह से क्या बोलता है, एलिमेंट बोलता है। और इसमें जितने भी के पार्टिकल होंगे उसमें सब एक ही तरह के पार्टिकल मिलेंगे, उसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल नहीं मिल सकते हैं। आयरन है तो आयरन में सिर्फ आयरन के पार्टिकल, गोल्ड है तो गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल, कैल्शियम है तो कैल्शियम में सिर्फ कैल्शियम के पार्टिकल, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम में सिर्फ मैग्नीशियम के पार्टिकल, आपका क्या नाम है एल्युमिनियम ले लेते हैं तो एल्युमिनियम में सिर्फ आपको एल्युमिनियम के पार्टिकल मिलेंगे, कॉपर है तो कॉपर में सिर्फ कॉपर के ही पार्टिकल मिलेंगे। दैट मीन्स अ फॉर्म ऑफ सब्सटेंस एक ऐसा पदार्थ जो विच इज मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं हम एलिमेंट बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं तत्व। बात क्लियर हो गई। अब एलिमेंट को फर्दर जो है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है आपका मेटल, दूसरा है आपका नॉन मेटल, तीसरा है आपका मेटलॉइड। तो पहले हम मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड को बात समझेंगे। आपको पता है कि एवरी सब्सटेंस इज यूजुअली फॉर्म थ्री स्टेट, मतलब कोई भी पदार्थ है वो तीन स्टेट में रह सकता है, एक होता अपना सॉलिड, एक होता अपना लिक्विड, दूसरा होता तीसरा होता अपना गैस। तो क्या सर एलिमेंट में भी सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं? हाँ बेटा, एलिमेंट में भी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होता है और गैस होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सर जल्दी से बता दीजिए, सॉलिड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिक्विड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, गैस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, बता रहे मेरे बच्चा। सॉलिड में बाबू आप जितनी चीज आसानी से देख सकते हैं, मान लो आयरन होगा, कॉपर होगा, जिंक हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये सब के सब बाबू जितने भी एलिमेंट है सब किसी स्टेट में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में ही आपको मिलेंगे। अच्छा ये सबके जिसके बारे में बात कर रहा हूँ इनको मैं रूम टेम्परेचर में बात कर रहा हूँ, किस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर क्या होता है, जिसको आसानी से किसी जगह रखें तो जिस कंडीशन में उसको हम देख पाते हैं उसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए आयरन है, तो आयरन को आप अपने घर में नॉर्मली रखो तो आपको आयरन सॉलिड में ही मिलेगा, कॉपर है तो कॉपर आपको सॉलिड में ही मिलेगा, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम आपको कॉपर सॉलिड में ही मिलेगा। अब बात करते हैं लिक्विड में, तो लिक्विड देयर इज ओनली टू एलिमेंट, देयर इज ओनली टू एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। लिक्विड में बाबू रूम टेम्परेचर पर सिर्फ दो तरह के ही आपको एलिमेंट मिलते हैं, एक आपका मिलता है ब्रोमीन, दूसरा आपको मिलता है पारा एचटी। सिर्फ इसके दो ही एलिमेंट है जो आपके रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में होता है। अब कोई कहेगा सर हम तो गोल्ड को भी पिघला सकते हैं ना,
नहीं बेटा, हम क्या बात कर रहे हैं, हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, पिघलाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेल्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो हमको रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली यूजुअली जो मिलता है हमको, सिर्फ दो ऐसे एलिमेंट है जो लिक्विड होते हैं, एक होता है ब्रोमीन, एक होता है आपका मरकरी HG, जिसको बोलते हैं पारा। ठीक है, अब गैस के बारे में बात कर लेते हैं। तो गैस में बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, ये सब के सब जो है किसमें होते हैं बाबू, ये आपके गैस के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कितने कैटेगरी में डिवाइड है, तीन कैटेगरी में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में आपको कौन आता है, आयरन आता है, कॉपर आता है, जिंक आता है, एल्युमिनियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, ये सब किसमें आते हैं, सॉलिड शेप में एलिमेंट मिलेंगे। लिक्विड में कौन आता है बाबू, देयर इज ओनली टू एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सिर्फ द्रव के पदार्थ, द्रव के रूप में दो ही ऐसे तत्व हैं जो रूम टेम्परेचर में हमको मिलते हैं, जो कि कौन कौन है बाबू, ब्रोमीन और पारा, जिसको बोलते हैं HG। ठीक है, फिर बात करते हैं गैस में। गैस में आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा, ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा, ये सब जो होते हैं बाबू गैस के फॉर्म में आपके मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब हो गए एलिमेंट के तीन स्टेट, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इसके बारे में बात करते हैं कि एलिमेंट को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम थोड़ा सा नीचे इसके बारे में देख लेते हैं कि एलिमेंट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगले स्लाइड में हम उसी के बारे में बात करेंगे। एलिमेंट में एक आता है आपका मेटल, दूसरा आपका आता है नॉन मेटल, तीसरा आपका आता है मेटलॉइड। ठीक, तो एलिमेंट को फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अब हम अगले स्लाइड में इसके बारे में बात करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे इसको इरेज करके बात करते हैं। हेलो, हाँ, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे क्या नाम है एलिमेंट थे, एलिमेंट को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, एक था अपना मेटल, दूसरा था अपना नॉन मेटल, तीसरा अपना मेटलॉइड। मेटल को हिंदी बोलते हैं बाबू धार, क्या बोलते हैं, धार, और नॉन मेटल को बोलते हैं आधार, और जो अपना मेटलॉइड होता है इसको बोलते हैं उपधार, क्या बोलते हैं बाबू, उपधार। अब इसके बारे में बात करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल वो होते हैं बाबू जिनमें आसानी से करंट का फ्लो होता हो। आप अगर मैं एक लाइन में आपको समझाऊं मेटल क्या है, तो आप इसको बोल सकते हो सर मेटल वो होते हैं जिनको जिनमें आसानी से करंट का फ्लो हो सकता है, उसको हम बोलते हैं मेटल। करंट का फ्लो होने का मतलब ये हुआ दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट जिसमें फ्लो कराया जाए और करंट आसानी से फ्लो हो जाए उसको बोलते हैं मेटल, जिसमें करंट ना फ्लो उसको बोलते हैं नॉन मेटल, और जिसमें थोड़ा थोड़ा ना उसको बोलते हैं मेटलॉइड। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये वैसे मालूम, मेटल है आपका आयरन, मेटल में आपका कॉपर है, मेटल में आपका एल्युमिनियम है, इन समय बाबू अगर आप करंट को फ्लो कराओगे तो करंट फ्लो आसानी से हो जाता है। जैसे मान लो आप कॉपर देखो, कॉपर के वायर आपके घरों में लगे हुए, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका कॉपर के वायर से ही चलता है या एल्युमिनियम के वायर से चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर और एल्युमिनियम के वायर जो है वो करंट को फ्लो होने देते हैं। अगर वो करंट के कोई भी सब्सटेंस है जिसमें करंट का फ्लो होता है उसको बोलेंगे मेटल, जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता उसको बोलेंगे नॉन मेटल, और जिसमें सम टाइम होता है सम टाइम नहीं होता है उसको बोलते हैं मेटलॉइड। अब मेटल के एग्जांपल में आप इसके एग्जांपल में लिख सकते हो, जैसे मान लो आयरन है, कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या है बाबू, ये सब मेटल के एग्जांपल है। अब नॉन मेटल के एग्जांपल में अगर हम बात करें तो नॉन मेटल के एग्जांपल में कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, सल्फर आता है, ऑक्सीजन आता है, ब्रोमीन आता है, ये सब क्या है बाबू, ये सब नॉन मेटल के एग्जांपल है, ये इनमें करंट का फ्लो नहीं हो सकता। कार्बन में करंट का फ्लो नहीं होता, नाइट्रोजन में करंट का फ्लो नहीं हो सकता है, सल्फर में करंट का फ्लो नहीं हो सकता, ऑक्सीजन में करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं मेटलॉइड की, तो मेटलॉइड में क्या होता है, मेटलॉइड से जो एग्जाम्पल है उसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SI, इसमें ये जो होते हैं ये मेटलॉइड होते हैं, इसमें करंट का फ्लो समटाइम होगा समटाइम नहीं होगा। एक इसका और एग्जाम्पल है बोरॉन, क्या है वो बोरॉन, बोरॉन को हम बोलते हैं B से डिनोट करते हैं, इसमें भी करंट का फ्लो समटाइम होता है समटाइम नहीं होता है।
तो मेटल वो होते हैं जिनके बारे में ये चार प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। चार प्रॉपर्टी क्या, एक होता है मैलाबिलिटी, दूसरा होता है डक्टिलिटी, तीसरा होता है स्मूथनेस, चौथा होता है लस्टर। अब सर इसका मतलब क्या है ये आपका बता रहे बेटा, इसका मतलब ये है मैलाबिलिटी। मैलाबिलिटी का मतलब ये होता है ऐसा कोई सब्सटेंस जिनको आप पीट पीट के पतले चादर के रूप में फैला सके, उसको बोलते हैं हम मैलाबिलिटी प्रॉपर्टी। अच्छा, तो डक्टिलिटी क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम खींच करके स्ट्रेच करके लंबी वायर के रूप में पतली तार के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, उसको बोलते हैं हम डक्टिलिटी या डक्टाइलिटी को बोलते हैं। सोनरस, सोनरस ये होता बाबू कि ऐसे मेटल या ऐसे सब्सटेंस जिनको अगर पीटे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो। क्या प्रोड्यूस हो, साउंड। और साउंड में कैसा, रिंगिंग साउंड। कैसा साउंड बाबू, रिंगिंग साउंड। जैसे मान लो अगर कोई लोहा है, किसी लोहे पे आप अगर पीटते हो तो आवाज आती है टन टन टन। अब ये क्या है, टन का मतलब ये है रिंगिंग साउंड, ये बार बार आपको सुनाई देता है, कुछ देर तक सुनाई देता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें जिसको हम पीटे तो पीटने से उसमें साउंड प्रोड्यूस हो और साउंड कुछ देर तक सुनाई दे, ऐसे साउंड को बोलते हैं रिंगिंग साउंड। तो जिस सब्सटेंस में साउंड प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम मेटल। फिर लस्टर क्या होता है सर, ऐसा सब्सटेंस जिनको अगर बाहर से देखें तो चमकते दिखाई दे। कैसे दिखाई दे, चमकते, जिनकी शाइनिंग सरफेस हो। जैसे मान लो आपका कॉपर है, जैसे मान लो आपका एल्यूमिनियम है, जैसे मान लो आपका आयरन है, तो आयरन हुआ, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, अगर इनके सरफेस को आप थोड़ा सा रगड़ के साफ कर दें तो आप दूर से देखेंगे तो ये चमकते नजर आते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके जिनका सरफेस शाइनिंग सरफेस हो, लस्टर मतलब जो चमकते हो, उनको हम क्या बोलेंगे, मेटल। तो मैलाबिलिटी प्रॉपर्टी मेटल में फॉलो करती है, यस इसमें फॉलो करता है। कोई मेटल, किसी मेटल को कॉपर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, इसको पीट पीट के पतले चादर के रूप में आप फैला सकते हैं। तो जिसको आप पतले चादर के रूप में फैला सके वो कौन होता है, आपका मेटल होता है। अच्छा जी, तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी का फॉलो करता है, यस इसमें फॉलो करता है। मेटल को आप खींच करके पतले चादर वायर के रूप में तार के रूप में फैला सकते हैं। फिर आता है सोनरस। सोनरस क्या सर, इसमें देखें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। हाँ बेटा, आप किसी भी मेटल को पीट के देखेंगे तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, और जो कुछ देर तक साउंड प्रोड्यूस होता है, टन टन की आवाज आती है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें आवाज प्रोड्यूस हो, साउंड प्रोड्यूस हो, उनको हम बोलते हैं सोनरस। और ऐसे सब्सटेंस होते हैं आपके मेटल। लस्टर, यस लस्टर भी फॉलो करेगा। किसी भी मेटल के सर्फेस को आप रगड़ के देखेंगे तो उसका जो सर्फेस होता है वो शाइनिंग करने लगता है, चमकने लगता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें मैलाबिलिटी प्रॉपर्टी फॉलो करता हो, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी फॉलो करता हो, सोनरस प्रॉपर्टी फॉलो करता हो और लस्टर प्रॉपर्टी फॉलो करता हो, उनको हम क्या बोलेंगे, वो मेटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटल। इसमें आप देख सकते हो यस 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 एंड यस। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। तो सर क्या नॉन मेटल मैलाबिलिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, नहीं मेरे बेटा, नॉन मेटल जो है मैलाबिलिटी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। इनको आप पीट के पतले चादर के रूप में फैला नहीं सकते, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो। क्या लिखेंगे, नो। फिर डक्टिलिटी की बात करते हैं। तो सर क्या नॉन मेटल डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, नहीं बेटा, किसी नॉन मेटल को आप खींच के पतले वायर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब डक्टिलिटी प्रॉपर्टी से फॉलो नहीं करेगा। सोनरस क्या सर, नॉन मेटल को पीटने पे आवाज आती है, नहीं बेटा, कार्बन है, उसको पीट के देखो क्या उसमें आवाज आएगा, नहीं आएगा, उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, इसका मतलब नो। फिर लस्टर क्या सर, किसी नॉन मेटल को रगड़ के साफ कर दिया जाए तो उसका जो सरफेस है वो शाइन करेगा, नहीं बेटा, ये भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो याद करने का तरीका क्या बेटा, मेटल में सबको क्या बोलेंगे, यस 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 यस, और नॉन मेटल नो 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 नो, मतलब कि नॉन मेटल में मैलाबिलिटी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ना नॉन मेटल में डक्टिलिटी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ना नॉन मेटल में सोनरस प्रॉपर्टी फॉलो होती है, नॉन मेटल में लस्टर प्रॉपर्टी फॉलो होता है। लेकिन मेटल में सब सब फॉलो होते हैं, मैलाबिलिटी भी होता है, डक्टिलिटी भी होता है, सोनरस भी होता है, लस्टर भी होता है। अब बात करते हैं मेटलॉइड की। मेटलॉइड क्या होता है, मेटलॉइड वही है बेटा, मान लो घर में एक छोटा सा बच्चा है, मान लो ये अपना छोटा सा बच्चा और उसके इधर मम्मी है और इसके इधर पापा है। और अगर आप इसे पूछो बेटा आप किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो, मम्मी को प्यार करते हो कि पापा को, तो बच्चा बेचारा परेशान रहेगा, हम तो मम्मी को भी प्यार करते हैं तो पापा को भी प्यार करते हैं। तो ऐसे हाल है मेटलॉइड का। मेटलॉइड क्या करता है, मेटल की भी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो ऐसे सब्सटेंस
जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को फॉलो करें उनको क्या बोलते हैं मेटलॉइड। तो ये क्या मेटलॉइड होंगे, समटाइम ये मेटलॉइड हो सकते हैं। तो क्या सर डक्टिलिटी हो सकती है? यस समटाइम डक्टिलिटी हो सकता है, सोनस समटाइम हो सकता है और लेस्टर भी समटाइम हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज ये होंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मेटल क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम बीट करके मेलाबिलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, जिनको हम खींच करके डक्टिलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, जिनको पीटे तो उसमें साउंड प्रोड्यूस हो, जिनको हम थोड़ा सा रगड़ दे तो उनका फेस शाइनिंग करने लगे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे मेटल। ऐसे सब्सटेंस जिनमें मेलाबिलिटी प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, सोनस प्रॉपर्टी और लस्टर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता उसको बोलते हैं नॉन मेटल। और ऐसे सब्सटेंस जिसमें समटाइम मेलाबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनस, लस्टर प्रॉपर्टी फॉलो करता हो उसको बोलते हैं हम मेटलॉइड। अच्छा, ये प्रॉपर्टी अगर किसी भी चीज में फॉलो करता है मेलाबिलिटी, ऐसे सब्सटेंस जिसमें मेलाबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनस, लस्टर प्रॉपर्टी फॉलो करता है उनको बोलते हैं दे आर गुड कंडक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनको बोलते हैं गुड कंडक्टर। क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर्स। और इनको बोलते हैं बैड कंडक्टर। क्या बोलते हैं? बैड कंडक्टर्स। और सर मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड होते हैं बाबू कंडक्टर, बैड कंडक्टर है सेमी कंडक्टर। ये कैसे होते हैं? सेमी कंडक्टर्स होते हैं, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, जिसमें करंट का फ्लो हो सके उनको बोलते हैं गुड कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का जिसमें करंट का फ्लो ना हो सके उसको बोलते हैं बैड कंडक्टर, जिसमें करंट का फ्लो समटाइम हो समटाइम ना हो उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक, कंडक्टर को बोलते हैं हम चालक, हिंदी में बोलते हैं इसको चालक, इसको बोलते हैं कुचालक, और ये होता है अपना अर्धचालक। क्या होता है? अर्धचालक। तो आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। आपने केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर पहले दो कैटेगरी में सब्सटेंस को डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के बारे में आपने जाना कि एक ही तरह की सब्सटेंस से मिलकर बनने वाले सब्सटेंस क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। फिर प्योर सब्सटेंस की आपने प्रॉपर्टी भी देखा कि वो कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, उनके पार्टिकल को आप आसानी से देख नहीं सकते, उसमें बाउंड्री नहीं बना सकते और वो डिफ्रेक्शन होते हैं नो मैटर वो कहाँ से आप उनको लेकर के आए हैं। फिर हमने क्या नाम है अपने प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट के बारे में हमने देखा कि ऐसे सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट, तत्व बोलते हैं। और तत्व जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे तीन स्टेट में रह सकते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। सॉलिड में रहने वालों की जो क्या नाम है नाम है वो अपना आयरन है, कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम है। लिक्विड में जो रहने वाले हमारे जो एलिमेंट है वो दो ही है, एक है आपका क्या नाम है ब्रोमीन और एक है आपका पारा HG। फिर तीसरी गैस, गैस के स्टेट में रहने वाले जो हमारे एलिमेंट है वो है हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ और क्या नाम है आपका क्लोरीन गैस हुआ। ये सब जो गैस होते हैं या ये सब जो एलिमेंट है आपके गैस के फॉर्म में होते हैं। फिर हमने अपने एलिमेंट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, आपका मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटलॉइड मेटल को बोलते हैं धातु और नॉन मेटल को बोलते हैं अधातु, मेटलॉइड को बोलते हैं उपधातु। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें मेलाबिलिटी प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, सोनस प्रॉपर्टी, लस्टर प्रॉपर्टी फॉलो करें उसको बोलते हैं मेटल। ऐसी प्रॉपर्टी ऐसे सब्सटेंस जिसमें मेलाबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनस, लस्टर नहीं फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं नॉन मेटल। ऐसे सब्सटेंस जिसमें सम टाइम मेलाबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनस, लस्टर फॉलो करता है उसको बोलते हैं मेटलॉइड। अब बात करते हैं मेलाबिलिटी क्या होता है। ऐसे सब्सटेंस जिनको पीट के हम अपने चादर के रूप में फैला सकते हैं उनको बोलते हैं मेलाबिलिटी। ऐसे सब्सटेंस जिनको हम खींच के वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको बोलते हैं डक्टिलिटी। ऐसे सब्सटेंस जिनको पीटने पर आवाज आती हो उसको बोलते हैं सोनस। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें थोड़ा सा रगड़ने पे उनका फेस जो है शाइनिंग करने लगता है, चमकने लगता है उसको बोलते हैं लस्टर। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब प्योर सब्सटेंस आपका खत्म होता है, कल हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इम्प्योर सब्सटेंस को के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में ये पहला चैप्टर आपका हो जाएगा समाप्त। तो सी यू बेटा, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।